नमस्कार दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी, शार्प मीडिया न्यूज़, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, जिसमें देखा जाए तो इलाहाबाद के अतीक है, गाजीपुर में मऊ विधायक मुख्तार अंसारी का होटल देख रहे, गज़ल होटल स्थित है और यहाँ पर चस्पा हो चुका है, प्रशासन की तरफ से पूरा चस्पा हो गया है। तोड़ने का कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया, मगर जो लाइन आप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, ये लाइन आप देख रहे हैं वहाँ से लगाई करीबन 100 मीटर तक है, करीबन 40 से 50 दुकान है, बिल्कुल इनको बेरोज़गार हो चुके हैं तमाम। जब जेसीबी चलेगी तो इस कंडीशन में इनको सामान वगैरह लोग लिखा रहे हैं कि अपने जो जेसीबी चलेगी तो सामान में कोई दिक्कत ना है। और यहाँ पर हमारे बीच कुछ व्यापारी भी है जो इनकी बर्तन की दुकान थी, आइए उनसे पूछते हैं। आपका शुभ नाम? राजेंद्र अग्रवाल। देखा जाए राजेंद्र जी, तो काफ़ी वर्षों से दुकान थी आपकी और इस समय तोड़ने का कोई आदेश नहीं हुआ है, मतलब फिर भी शासन की तरफ से जो निशान लगा दिया गया है उसी के आधार पर तोड़ा जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? 40-50 दुकान है। क्या गुजारिश करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से मतलब कि हमको भाई चाहिए ना, कुछ ना कुछ चाहिए। आप लोग इस समय बेरोजगार हो ना, गए सड़क पर आ गए, हमारी रोजी रोटी है यही, बीच बाल बच्चे अपना खाते कमाते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल, एक तरफ कोविड महामारी ने पूरी कमर तोड़ दिया था, दूसरी तरफ ये देख रहे हैं गाजीपुर में लगातार ध्वस्तीकरण का काम जारी है। एक तरफ बात किया जाए, समय हुसैनी हॉस्पिटल को पूरी तरीके से ढा दिया गया था, जिसमें 20% हिस्सा बचा हुआ है, और दूसरा जो झटका है आप देख रहे हैं, गज़ल होटल को निशाना बनाया गया है। गाजीपुर से मोइनुद्दीन सिद्दीकी की रिपोर्ट, शार्प मीडिया न्यूज़।